खैर तुम्हें और कितना समय लगेगा? जी जी वाओ, बहुत खूब। मैं हमेशा से टैटू बनवाना चाहती थी। क्या वो फेमस टैटू शॉप यही है? मुझे माफ करना, तुम्हें संभल कर चलना चाहिए। बस तुम्हें मुझसे उलझना नहीं चाहिए। चलो भी लड़कियों, शांत हो जाओ। केन, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैंने सुना यहाँ कोई धमकी दे रहा था। हम तो यहाँ से बस जा ही रहे थे। ए, सुनो क्यूटी, लगता है ये मेरी जगह है। हेलो, एक मॉन्स्टर। मुझे एक टैटू बनवाना है। ये जैक्स है। खैर जैसा आप कहें। आउच। ओ, क्या आप ठीक हैं? खैर ये बन ही गया। हेलो हनी, तुम बहुत लाजवाब लग रहे हो। व्हूप्स, माफ करना। एक मिनट, क्या तुम्हें ब्रेकअप चाहिए? हाँ दो दोस्त, जैक्स का किस्सा खत्म। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? वो गद्दार पछताएगा। शुक्रिया। तुम मुझे पैसे देकर शुक्रिया बोल सकती हो। केन, चलो मदद करें। क्या कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम सच में पैसे लेना चाहती हो? ये बहुत भयानक था। बहुत हुआ, मैं अब सोने से पहले हॉरर मूवीज नहीं देखूंगी। वाह, ये छिपने के लिए अच्छी जगह है। क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ है? कहाँ हो किटी किटी? तो ये बात है। प्लीज मुझे बाहर मत निकालना। चिंता मत करो, फर्स्ट बॉल। बचाने के लिए शुक्रिया। ओ, तुम मुझसे नहीं भाग सकते किटी कैट। तो तुम दोनों शांत रहो। क्या तुम शांत रह सकते हो? नहीं। लो जरा ये देखो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। या गद्दार कहीं के मेरे लिए इतने गाने लिखे और अब मुझे ये दिन दिखा रहे हो। सुनो दोनों, शांत हो जाओ। बस ये मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, हम हेलो किटी को हटा देंगे। ये देखो टैटू बन गया। तुम्हें कैसा लगा हनी? ओ कैट नोआर, तुम सच में? हाँ तो लव बर्ड्स, पहले तुम लोग जल्दी से पैसे दो। तुम पैसे दे दो किटी कैट। वाह क्या बात है। खैर मेरे हिसाब से ये उतना भी गंदा नहीं है, है ना? ऐसा लगता है कि कोई खतरे में है। चलो चलते हैं कैट नोआर। मुझे भी एक टैटू बनवाना है। तुम यहाँ क्या कर रही हो क्यूटी? यहाँ मैं टैटू बनवाने आई हूँ। क्या तुम्हें सच में टैटू बनवाना है? है, जरा यहाँ आओ। ये देखा स्वीटी, टैटू बनवाने के लिए अभी तुम बहुत छोटी हो। देखो मैं अब बड़ी हो गई हूँ। तुम मुझे ऐसे पागल नहीं बना सकती बेटा। कितना अजीब है। कौन है? कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या इसमें कुछ है? पिका पिका। ओ, मैं आखिरकार बाहर आ गई। मुझे भी एक टैटू बनवाना है। जी जी वाओ, कितना प्यारा है। खैर मुझसे अच्छा टैटू कोई नहीं बना सकता। ओ, इसकी बैटरी लो हो गई, वो भी गलत समय पर। मुझे अब क्या करना चाहिए? ओ, शायद मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? पिका पिका, जब आती रहो, मैं साथ साथ काम करती हूँ। खैर कैसा लगा टैटू? पिका पिका। ओ, ओ, नहीं नहीं नहीं। खैर मुझे अब जाना चाहिए। लेकिन मुझे पैसे कौन देगा? हाय, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी काम है। ओ, ये मोमेंट तो गिरती ही रहती है। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, और मुझे टैटू बनवाना है। ये फ्लाउंडर है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। लेकिन सबसे पहले ये घास फूस हटा दूँ। हाँ अब सही है, अब पहले सही कलर चुन लेते हैं। बढ़िया, अब शुरू करते हैं। प्लीज अपना हाथ यहाँ लाइए मैम। शायद कोई जरूरी मैसेज आया है। ओह नहीं, मेरे डैड आसपास ही हैं। मेरे डैड के आने से पहले ये जल्दी खत्म कर दो। वाह ये लाजवाब है। ओह मुझे यहाँ से भागना होगा। लेकिन मैं जाऊँ कहाँ? इसके अंदर बेस्टी। अरे बिल्कुल भी नहीं,
शायद तुम्हारे डैड बस आने ही वाले हैं। हाँ शायद तुम सही बोल रही हो, मुझे जाना होगा। यही शहर की नई टैटू शॉप है क्या? हाँ आपने सही पहचाना। उप्स, क्या तुमने कुछ कहा? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस सफाई कर रही थी। मुझे इस तरह का टैटू बनवाना है। वाह ये बहुत प्यारा है, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। सर ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा टैटू है। अच्छा है, काफी अच्छा है। हेलो मुझे कुछ कैश ट्रांसफर कर दो। क्या ये मेरे लिए है? मैं तो अमीर बन गई। आप सच में बहुत अच्छे और दिल वाले कस्टमर हैं। खैर मैं अब चलता हूँ, बाय, फिर से जरूर आना। हाँ शायद मैं अपने गोल तक पहुँच गई हूँ, जरा सा भी मत हिलना। प्लीज मुझे छोड़ दो। होशियार लड़की है पुडिन, उसे डराओ मत। मैंने VIP टैटू अपॉइंटमेंट लिया है। तो ये बात थी। खैर आप लोग बैठ जाइए और मेरा क्या होगा? तो क्या आप तैयार हैं? मैं कुछ भी करके टैटू बनवा कर रहूंगी। तुम कौन हो? मैं एक सुपर हीरो हूँ और मैं यहाँ अपना काम करने आया हूँ। तो तुम वहाँ हो लव बर्ड्स? ये काम आएगा, अब जस्टिस होगा। विलन्स, अगली बार ये बात बोल मत देना। बेवकूफ बैच, हे तुम क्या कर रहे हो? रुको, हाँ ये ठीक रहेगा, बस होने ही वाला है। तुमने सब बर्बाद कर दिया, बेवकूफ कहीं के। ये लाजवाब है, तुम्हारी खैर नहीं। जोकर, अब तो तुम दोनों की जोड़ी बन गई है। मैं तुम्हें इसके लिए छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत करो। पुडिन मैं सबक सिखा देती हूँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, ये लो तुम्हारी मेहनत का फल। तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? मुझे भी टैटू बनवाना है और मैं बता रही हूँ, पूछ नहीं रही। हे ये गन है, खिलौना नहीं, समझी? तुम वहाँ से जा सकती हो, मैं फिर से आऊँगी। हाँ मेरे पास एक और आइडिया है। ये बहुत गर्म है, इसमें बहुत सारी बर्फ डाल देती हूँ। क्या ये सब मेरे लिए है? लेकिन मेरा बर्थडे अभी महीनों दूर है। ओ, 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 पता नहीं इसमें क्या होगा। क्या ये मेरा वहम है? हाय। क्या आप भी टैटू बनवाने आए हैं? जरूर मैं बना सकती हूँ। ऐसे तो मैं बना नहीं पाऊंगी, मैं इस तरीके से बना सकती हूँ। मैं जीनियस हूँ, आपका ज़ॉम्बी टैटू तैयार है। लाजवाब है। और अब आपको जाना चाहिए, बाय बाय। तुम्हें क्या हुआ? चलो अब बंद हो जाओ। उप्स, माफ करना, तुम ठीक तो हो ना? चिंता मत करो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, कोल्ड मैजिक से सब ठीक हो सकता है। क्या आप ठीक है? मुझे बस एक टैटू ही बचा सकता है। फिर वही बात, आप ही बताइए दोस्तों मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे टैटू बनवाना चाहिए? दोस्तों प्लीज, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। माफ करना स्वीटी, सबकी तरफ से ना है। लेडीबग क्या तुम हो? तुम्हें क्या हुआ है? ठीक नहीं है। ओ, नहीं वो आ रहा है, तुम्हें कुछ करना होगा। एल्सा मेरी मदद करो। अब बहुत देर हो चुकी है लेडीबग, तुम्हारा खेल खत्म। मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी, तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी। अच्छा अब बहुत हुआ, तुम यहीं खड़ी रहोगी। अब सबको गुड बाय, प्लीज बस कैट नोआर को बता देना कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। खेल खत्म हुआ लेडीबग। हे शांत हो जा विलन, बहुत ठंड है। ओ, एल्सा तुमने मुझे बचा लिया। हे क्या तुम मेरी ड्रेस भी ठीक कर सकती हो? ये थोड़ा मुश्किल होगा।
मेरे पास एक आइडिया है। यह है मेरी एक्स्ट्रा लार्ज टैटू गन। तुम अभी ठीक हो जाओगी लेडी बग। जी जी वाओ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम सच में हीरो हो एल्सा। लेकिन हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? ओ, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, ये आइडिया अच्छा है बेस्टी। तुम्हारा विलन करियर अब खत्म हो चुका है हॉगवॉट्स। अब तुम एक जोकर हो। मुझे बहुत शर्म आ रही है। हाय फाइव लेडीबग, पर मुझे पैसे देने मत भूलना। मुझे अपना काम बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्या कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा है? मुझे भी टैटू बनवाना है। आज नहीं, चलो उसके सपनों को सच करते हैं। लाइक दीजिए और मैं उसका टैटू बना दूंगी। वाह, अब शुरू करते हैं। हे रुको, क्या तुम फिर से मेरा मजाक बनाओगी? मेरे पीछे आओ। अब इनमें से एक चुनो। मुझे ऑल ऑफ चाहिए। अच्छी पसंद है बेटा। डर लग रहा है। डरो मत, थोड़ा भी दर्द नहीं होगा। बस अरे वाह, ये शानदार लग रहा है। तुम अब देख सकती हो। जी जी वाओ, आखिरकार मैंने भी टैटू बनवा ही लिया। शुक्रिया एल्सा, मैंने तो बस अपना काम किया स्वीटी। ओ हाँ, आज तो मेरी शादी है। खैर, मैं कैसी लग रही हूँ? और ये आ गई ब्राइड। तुम सबसे डरावनी हो। बस मुझसे दूर रहो, ठीक है? शायद कोई मुसीबत में है। हाँ, इसका मतलब मैं सही जगह पर आई हूँ। क्या तुमने कभी अपने आप को शीशे में देखा है? ठीक है, चिंता मत करो, हम ये ठीक कर देंगे। ये जगह बहुत ठंडी है। अब कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है। क्या तुम अभी भी रो रही हो? अब चुप भी हो जाओ। मेरा कुछ नहीं हो सकता है। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। हनी, मैं वापस आ गया। क्या ये सच में तुम हो? हाँ बिल्कुल, मैं ही हूँ। अब ऐसे मत करो, ठीक है? हमें अभी बहुत सारा काम करना है। क्या तुम मुझे मेकओवर देने वाली हो? मैं तुम्हें सुंदर बना दूंगी। मुझसे अपनी शादी का इंतजार नहीं हो रहा है। थोड़ा सब्र रखो। सबसे पहला काम है तुम्हारी स्किन को ठीक करना। मुझे यकीन है हम ये कर सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। लगी रहो, मुझे पता है तुम ये कर सकती हो। खैर, ये काम हो गया। एल्सा, क्या तुम ठीक हो? क्या अब मैं सुंदर हो गई हूँ? खैर, अभी नहीं। चलो अब इनसे पीछा छुड़ाते हैं। मैं देख सकती हूँ तुम्हारी आँखों के नीचे आई बैग्स हैं। हम ये ठीक कर सकते हैं। ओ नहीं, ये खाली है। ठीक है, सोचो एलिस, सोचो। क्या कोई परेशानी है बेस्टी? तुम्हें अपने क्रश की बहुत याद आती है ना? हाँ, ये हमेशा करता है। हमें आईसी टीयर्स की ही जरूरत थी। हमें बस थोड़ा सा खास ब्लड मैजिक चाहिए। अब इसे हवा में उछालो। तो क्या वैम्पायरिक मैजिक देखने के लिए तैयार हो? चलो अब इन पैचेस को लगा लो। क्या तुम्हें यकीन है कि ये काम करेगा? एक और काम पूरा हो गया। और समय हो गया है। अब हमें इनकी और जरूरत नहीं है। तो मैं होशियार हूँ ना? अच्छू, मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा है। हमें ये सब साफ करना होगा, ठीक है? मेरी जैसी एक वैम्पायर के लिए भी ये कुछ ज्यादा ही हो गया। हमें ये कैसे ना कैसे ठीक करना ही होगा। एल्सा, मुझे एक सेकंड दो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं यहाँ हूँ। और मेरे पास एक आइडिया है। हे एल्सा, क्या? हमें एक मास्क चाहिए। पिंक, मैं बार्बी नहीं हूँ, पता है ना?
तुम इतने नखरे क्यों कर रही हो? ठीक है दोस्तों, हमें आपके लाइक्स की पावर चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें जिससे ये मास्क रेड से ब्लू हो जाएगा आइस की तरह। बढ़िया, हमने कर दिखाया। ठीक है बेस्टी, क्या तुम तैयार हो? ये बहुत रिलैक्सिंग है। मेकओवर से कभी कभी अच्छा महसूस होता है। और समय हो गया, जल्दी से इसे उतार दो दोस्त। खैर, क्या काम बना? वाह, अब मेरा चेहरा एकदम साफ हो गया है और अब ब्लैकहेड्स भी चले गए हैं। पर हम इन पिंपल्स का क्या करें? एक स्नैक हमेशा मुझे शांत कर देता है। ओह, क्या तुम्हें भी चाहिए? ये लो, खाओ। मुझे खुजली हो रही है। कैंडी खाने से नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता है। खैर, हम इन पैचेस के साथ इसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। भरोसा रखो बेस्टी, सब ठीक हो जाएगा। अब बस हमें इंतजार करना है। तो मैं कैसी लग रही हूँ? कुछ खास नहीं, लगता है तुम्हारे पिंपल्स कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। नहीं, जरूर होंगे, मैं अभी इन्हें हटा दी हूँ। अब तुम्हारा क्या कहना है? हाँ एलिस, वाह, तुम तो इसमें माहिर हो। तो अब फिर से मेकओवर करें। हे बेस्टी, लेकिन ओह नहीं, कोई मदद करो। ठीक है एलिस, घबराओ मत, हमारे पास अभी भी थोड़े पैचेस बचे हैं। शांत रहो, बस शांत रहो। ठीक है, अब एक्ने की कोई चिंता नहीं है। मैं आ रही हूँ एलिस। तुम अब बहुत खूबसूरत लग रही हो, हमेशा की तरह, है ना? वाओ। अब तुम्हारे दांतों का कुछ करते हैं। चलो अब जल्दी से। हाँ बोलो बेस्टी। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। गंदी बदबू है, हमारे सामने खतरनाक बायोहैजर्ड है। ठीक है, अब मैं इस काम के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। चिंता मत करो एल्सा, प्रॉमिस, जरा भी दर्द नहीं होगा। मुझे इस चीज से थोड़ा डर लग रहा है, ये एक पुरानी वैम्पायर रेसिपी है। फैंग्स को वाइट रखने के लिए, है ना? ठीक है, हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे डर लग रहा है। ये जल्दी ही हो जाएगा, ये सब हम तुम्हारी शादी के लिए कर रहे हैं, याद है ना? ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। ये हो गया, मुझे बहुत रिफ्रेश महसूस हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। अच्छी बात है, अब तुम्हारी स्माइल भी अच्छी हो चुकी है। ठीक है बेस्टी। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मेरे ग्लासेस कहाँ हैं? मैं उनके बिना नहीं देख सकती हूँ। मुझे यकीन है हमें मिल जाएंगे। वुप्सी, क्या तुमने कुछ कहा बेस्टी? नहीं, कुछ नहीं, सब बिल्कुल ठीक है। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। ये नहीं, ये भी नहीं, और ना ही ये। मुझे आपकी मदद चाहिए। एल्सा के कॉन्टैक्ट किस कलर के होने चाहिए? चलो हम वोट लेते हैं। ब्लू, तो ठीक है, मैंने ऑर्डर कर दिया। अब तुम्हें ग्लासेस की और जरूरत नहीं है बेस्टी, उसके बजाय ये लगा कर देखो, तुम्हें ये पसंद आएंगे। हाँ, मैं फिर से देख सकती हूँ, मैंने कहा था तुम्हें अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें दोबारा देखने का इंतजार नहीं कर सकती हूँ मेरी जान। एल्सा, क्या बात है? What? जरा यहाँ देखो। जी जी वाओ, ये बहुत फजी है और बहुत सॉफ्ट भी। ये बुरा मजाक है एलिस। ओह हाँ, तुमने सही कहा। क्या सच में मेरा कुछ नहीं हो सकता? बिल्कुल गलत, हम कुछ सोच लेंगे। खैर खैर, रेजर्स या वैक्स? ओह, ये दर्दनाक था। मैं समझ गई, हम सोलर एपिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। शानदार, बहुत सुंदर और स्मूथ है। बहुत बहुत शुक्रिया बेस्टी, मैं मदद करती हूँ। तुम्हें थोड़ी ठंडक चाहिए। वाह, मेरी उंगली ठीक हो गई। चलो मेरे गले लगो। खुजली हो रही है। एल्सा, बर्फ गिराना बंद करो बेस्टी। पर मैंने कुछ नहीं किया। हमें यहाँ बर्फ नहीं चाहिए।
अब मैं अपने स्पेशल वैम्पायर लाइफ हैक का इस्तेमाल करूंगी। ब्रेकिंग न्यूज, मौसम का हाल, तेज हवाएं चलेंगी। क्या? वाह, मेरे बाल अब नॉर्मल हो गए हैं। ओह नहीं। अच्छू। अब तुम लूजर नहीं रही। जाओ और वहाँ बैठ जाओ। मैं शादी के लिए तुम्हारे एक शानदार हेयर स्टाइल बनाऊंगी। मैं सबसे सुंदर ब्राइड बनूंगी। तुम सच में किसी सुपर मॉडल जैसी लग रही हो बेस्टी। पर हमारे लिए काफी नहीं है। चलो दोस्तों, हम सब एल्सा की मदद करते हैं। उसे आपके लाइक्स की जरूरत है। तो क्या आप एल्सा को और सुंदर बना सकते हैं? वाह, बहुत बढ़िया। बधाई हो बेस्टी। तुम अब लूजर नहीं रही। ठीक है, बाल हो गए। अब बारी है मेकअप की। हाँ, ये एक्साइटिंग होने वाला है। और मुझे पता है किसकी मदद लेनी चाहिए। हे बेस्टी, क्या तुम मेरा मेकअप कर सकती हो? खैर ठीक है, मैं करती हूँ। चलो काम पर लगते हैं दोस्त। हम लाइट ब्लू कलर से शुरू करेंगे। बस हिलना मत एल्सा, तुम बर्फ की तरह सुंदर लग रही हो। शानदार। अब हम एक प्यारा फ्रॉस्टी पैटर्न बनाएंगे। हमें ये भी चाहिए, तुम्हें और सुंदर दिखना होगा। जितनी ज्यादा ग्लॉस होगी उतना अच्छा होगा। और लिपस्टिक को भी नहीं भूल सकते हैं। ओ, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। और तुम्हारा मेकअप भी पूरा हो गया। शुक्रिया एलिस, तुमने मेरी बहुत मदद की। ओ, मेरी जैसी वैम्पायर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ह्यू, बहुत गर्म है। मैं आ गई एलिस। बर्फ सभी ड्रिंक्स को और अच्छा बना देती है। ओह नहीं, अब मैं शादी के लिए नहीं जा सकती हूँ। ओह एल्सा, तुम्हें बस एक नई ड्रेस चाहिए। चलो आओ और एक चुन लो। क्या ये सब मेरे लिए है? हाँ बिल्कुल। अब जल्दी करो और इन्हें पहन कर देखो। एक छोटे से फैशन शो का वक्त है। मुझे फैशन शो पसंद है। तो मैं कैसी लग रही हूँ? क्या आप हमारी एल्सा की वेडिंग ड्रेस चुनने में मदद करेंगे? तुम अच्छी दिख रही हो, पर तुम और भी अच्छी दिख सकती हो। चीची वाओ, इसे कहते हैं असली जादू। खैर, हमने एक ड्रेस चुन ली है। अब हम तुम्हारी शादी के लिए चलते हैं। हमें चलना चाहिए बेस्टी। चलो चलें। ठीक है, हम पहुंच गए। तो हम सेरेमनी शुरू करते हैं। मैं इससे कभी शादी नहीं करूंगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है दोस्त? वहाँ वापस जाओ। हाँ तुमने सही कहा। ओ एल्सा, तुम तो बिल्कुल परफेक्ट हो। क्या ये मेरे लिए है? खैर शुक्रिया, अब मुझे बस एक और काम करना है। ओ, एल्सा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल टिमिथी। लगता है मैं सही वक्त पर आई हूँ। हे दोस्तों, तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ टिमिथी। क्या हुआ? आउच, मुझे लग गई। मुझे छोड़ दो। तुम्हारी शादी नहीं हो सकती स्वीटी, ये अब मेरा है। मुझे नहीं लगता। देखती हूँ तुम मेरे आईसी मैजिक से कैसे बचती हो। इससे मुझे कुछ नहीं होगा। मैं दिखाती हूँ असली मैजिक क्या कर सकता है। आओ, मेरी मदद करो। कोई मुझे बचाओ। तुम्हारी प्रिंसेस खतरे में है। तुम जाकर संभालो। okay. प्लीज हनी, मुझे ऊपर खींचो। नहीं ऐसा मत करना। उफ, मैं कहाँ हूँ? ओह टिमोथी, उसने तुम्हारे साथ क्या कर दिया है? प्लीज उसके वश से बाहर आओ। ओह नहीं, अब मैं नहीं बचूंगी। गुड मॉर्निंग लिटिल प्रिंसेस, उठने का वक्त हो गया है।
लगता है कोमा में चली गई है। हमें कुछ और करना पड़ेगा। कुछ महसूस हो रहा है। ओह अच्छा ठीक है, कुछ करना पड़ेगा। मैं तुम्हें किसी तरह बचा कर रहूंगी प्रिंसेस। ये क्या हो रहा है? माफ करना, मैं ये ठीक करती हूँ। ओह डॉक्टर, तुमने मेरी जान बचा ली। हाँ, मैं बस अपना काम कर रही थी। वूप्स, तुम कहाँ चली गई? और ये क्या है? लगता है मैं वैम्पायर। ओह मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा हो गया। हम साथ में कितने अच्छे लगते थे। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम हमेशा यही कहते थे, मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ। मुझे लग गई। ओह मेरी जान, यहाँ भी तुम हो। हमेशा साथ रहना था है ना? ही, आराम से। वहाँ कोई है? हाय दोस्त। तुमने क्या कहा? तुम सही कह रहे हो, मुझे प्लान बनाना पड़ेगा। मुझे इस वैम्पायर को हराना होगा। स्टिक्स, गार्लिक, सनलाइट और सॉल्ट, ये सब वैम्पायर की कमजोरियां हैं। खैर स्टेक से शुरू करते हैं, पर मेरे पास नहीं है। पर रुको, क्यों ना मैं, हमेशा काम करता है। मेरा कमाल देखो, ये लो ब्लड सकर। उफ, नहीं लगा। चलो फिर से कोशिश करते हैं। मैं लूजर हूँ, पर मैं हार नहीं मान सकती। हाँ सीधा निशाने पर। चीची वाओ, मैंने कर दिखाया। ठीक है, मेरे एंसेस्ट्रियल क्रिप्ट में स्वागत है। तुम खड़े क्यों हो? तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं थक गई हूँ। बिल्कुल, मेरी प्यारी बैट। और मुझे पेडिक्योर भी चाहिए। जल्दी करो, तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा मेरी जान। शुक्रिया, हो गया। बहुत खूब, चलो करते रहो। ओ हाँ, मुझे अभी मसाज ही चाहिए थी। ये रहे तुम। तुम What? हमारे लिए मुझे ऐसा करना ही होगा हनी। प्लीज मुझे रोकना मत, तुम कुछ नहीं कर सकती। ओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, बस बहुत हुआ। हनी ये मैं हूँ, चलो प्लीज होश में आओ। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी कुछ करो। okay. तुम अब नहीं बचोगी। ही, चलो लड़ते नहीं है। गुड बाय विलन। उसने मेरे बाल खराब कर दिए। तुम हमेशा सुंदर लगती हो मेरी प्यारी बैट। मैं कितनी लकी हूँ है ना? मेरी ड्रिंक कहाँ है? गुड बॉय। बच गई। ये क्या है? हाँ, माफ करना वाला, मैं वैम्पायर से हार गई। मैं एक लूजर हूँ। तुम्हारे पास आइडिया है? क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? ओह समझ गई, हमें गार्लिक का इस्तेमाल करना चाहिए। ओह कितना गंदा है, एक मिनट रुको। चीची वाओ, मैं कमाल हूँ है ना? देखते हैं तुम्हें गार्लिक का टेस्ट कैसा लगता है दोस्त। सीधा निशाने पर, मैं इसमें माहिर हूँ। मैं टिमिथी को बचाने जा रही हूँ। ये है मेरी ग्रैंडमा की पंच रेसिपी। चलो इसमें स्पाइडर एग्स डालते हैं। हाँ तुम कितने प्यारे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वूप्स, क्या कौन है? What? मुझे वहम हुआ होगा। hmm. लगता है तुम सीक्रेट इंग्रेडिएंट भूल गई हो स्वीटी। फिर से बताना रेसिपी क्या थी। ये लो। हाँ ये डालना है। ओह ये कितना बढ़िया लग रहा है।
खैर मुझे और कितना इंतजार करना होगा। बढ़िया, ठीक है टेस्ट करके देखते हैं। ओह, ये क्या था? तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हुआ बुरी वैम्पायर। ओह, तो ये तुमने किया है? हाँ, मैंने तुम्हें हरा दिया। चलो वापस घर चलते हैं। ये मैं हूँ एल्सा, याद है एल्सा? हाँ हनी, चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं दोस्त, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना। फिर से स्वीटी, इसे यहाँ से बाहर निकालो। गुड बाय। ओह, मैं कहाँ हूँ? ओह, फर्क नहीं पड़ता, चिंता ये है कि वक्त खत्म हो रहा है। तुम हमें अनब्रेकेबल सेफ में चाबी छिपाएंगे। जल्दी करने की कोशिश करना, ठीक है? उम्मीद है हम दोबारा नहीं मिलेंगे। कोई है? What? ओलाफ, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। ओह नहीं, टाइमर। हे, वैम्पायर के सेफ का कॉम्बिनेशन जानने में मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे यहाँ से बच के निकलना है। हाँ, क्या बात है, हमने कर दिखाया। चलो दोस्त, तुम कर सकते हो, जल्दी प्लीज। मुझे खोलो। हाँ, मैं आजाद हो गई। ओह, बाल बाल बच गए। ये बहुत खतरनाक एडवेंचर था। चलो यहाँ कॉल रख देते हैं ताकि उसे लगे उसने मुझे हरा दिया। चलो चलते हैं। फ्रेश ब्लड, मेरा पसंदीदा। ओह, बेचारी एल्सा, उसे वैम्पायर से लड़ना नहीं चाहिए था। मैं इस मूवी का कितने वक्त से इंतजार कर रही थी। तुम क्या ऑर्डर करना चाहोगे? क्या तुम्हारे पास ब्लड फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न है? वैम्पायर यहाँ है, अब मैं क्या करूँ? मुझे पता है क्या करना है। हाय, बधाई हो, तुम छुट्टी ले सकते हो। चलो काम पर लगते हैं। ये रहे तुम्हारे पॉपकॉर्न, मजे से मूवी देखो। टिकट्स? सुना नहीं, टिकट्स दो। हम वो मूवी देखना चाहते हैं। okay. ओ, तुम कितने प्यारे हो। और तुम यहीं रुको। अब क्या हुआ? What? अंदर स्वीट्स लेकर जाना मना है। तुमने मुझे क्या कहा? तुम्हारे फैंस काम नहीं आएंगे। अब मुझे अपनी स्वीट्स दो। ठीक है, ये लो। आखिरकार बेवकूफ गार्ड, क्या तुमने सारा खा लिया? मुझे भी पॉपकॉर्न खाने हैं। Hey. Oh, टिमोथी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे किसी और से प्यार है। मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी। चलो पॉपकॉर्न में गार्लिक फ्लेवर डालते हैं। हम जल्दी फिर साथ होंगे। ये लो मेरी प्यारी बैट। हो, तुम कितने प्यारे हो। ये क्या है? क्या ये गार्लिक पॉपकॉर्न है? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं इसे साफ करती हूँ मैम। ठीक है, काम शुरू करते हैं। चलो कमाल दिखाएं। वैम्पायर सॉल्ट की पावर से बच नहीं सकते। ओह, तुम किसी काम के नहीं हो, समझे? तुम मुझसे इस बार बच नहीं सकती ब्लड सकर, पर मुझे ये सब अपनी आँखों से देखना होगा। ओह नहीं, तुम मुझे प्यार करते हो? ये क्या हो रहा है? क्या मुझे कोई समझा सकता है? मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। ये वैम्पायर हिप्नोसिस था। हे, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए कुछ लेकर आओ। तुम कितनी धीरे काम करते हो, वो यही है। ठीक है, हमें एक जरूरी बात करनी है और मुझे ना नहीं सुनना। मेरी जान, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। क्या मुझे क्या हुआ था? ओ, मेरी प्यारी स्नोफ्लेक, ये तुम हो। मुझे लगता है अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कहाँ गया? मुझे सब खुद करना पड़ता है। यहाँ सॉल्ट कहाँ से आया? ये पक्का उसी ने किया होगा। जी, उसे देखो। क्यों ना हम इस पर छोटा सा प्रैंक करें?
क्या ख्याल है दोस्त? अब अपने हिप्नोटिक पावर्स का गलत इस्तेमाल मत करना, ठीक है? ठीक है, चलो इस कहानी को खत्म करते हैं। नहीं, और विलन को हरा दिया, फिर अच्छाई की जीत हुई, आखिर में सब अच्छा हो गया। एल्सा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बिल्कुल करूंगी। एल्सा बस करो। ओह, बेचारे मेरे कान।